गाइस, वेलकम टू ब्यूटी कंटेंट। आज मैं एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिससे आपका फेस बहुत ही चमक जाएगा। आप इसे फेस में अप्लाई कर सकते हैं, हैंड में अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट में भी अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह चमक जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें बेसन की जरूरत पड़ेगी, जो कि घर में अवेलेबल रहता है। बेसन चाहिए, कॉफी, कॉफी हर एक घर में रहता ही है, तो कॉफी चाहिए। एंड शुगर, शुगर जैसे कि चाय तो बनाते होंगे ना सभी, कोई या मेहमान आ जाए तो चाय बनता है, तो चाय जब बनती है तो उसमें चीनी लगती है, तो शुगर चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन चीज अगर आपके घर में है तो आप इजीली अपने फेस को या फिर अपने हैंड को चमका सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी इंग्रेडिएंट को बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉफी लेनी है। अगर घर में कॉफी नहीं है तो आप इस तरीके से बाहर से मंगा सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉफी कम पड़ गया, और थोड़ा कॉफी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक चम्मच लगभग कॉफी लेनी है इस तरीके से, देख पा रहे हैं, एक चम्मच मैंने कॉफी ले लिया है। देन उसमें मिलानी है क्या, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। इसमें कोकोनट ऑयल मिला लेती हूँ मैं, दो बूंद। तो ठीक है, चार पांच बूंद मैंने कोकोनट ऑयल मिला लिया। इसमें आप मिला सकते हो, ऑप्शनल में है गुलाब जल, गुलाब जल भी आप मिला सकते हो। तो दो तीन बूंद मैंने गुलाब जल भी मिला लिया। एंड अब इसमें मिलानी है क्या, शुगर मिलानी है। तो शुगर ले लेते हैं, पिसा हुआ होना चाहिए, तो मैंने इतना क्वांटिटी में शुगर ले लिया। ठीक है, हाफ चम्मच ले सकते हैं। देन उसके बाद लेनी है वाटर, और इसको अच्छे से मिक्स करनी है। देखिए थोड़ा सा रफ रफ लगेगा, बट नो प्रॉब्लम, इसे वाटर से इसे मिक्स कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, कुछ शुगर पिघल ना जाए उससे पहले ही रफ करनी है। तो इस तरीके से उस वाटर को मिक्स करनी है, देखिए दिस वन। एंड उसे क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो देखिए ये जो मेरा शुगर है वो पिसा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सर मिक्सर नहीं है, मैं हॉस्टल में बना रही हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा कूट दिया था। ठीक है, तो अच्छे से कुटाया नहीं, आप इसको मिक्स करके बनाइएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करनी है, इसको रब करनी है अपनी हैंड में या फिर फेस में। तो ऐसे रब करनी है जैसे हाथ में ले रही है, देन इसे ऐसे अप्लाई करनी है। ओके, इस तरीके से देखिए थोड़ा रफ रफ लगेगा, बट अप्लाई करनी है दोनों हाथों में। अप्लाई इसे 5-10 मिनट अप्लाई करने के बाद फिर इसे वॉश कर देनी है। नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। ठीक है, तो मैं वॉश करके आती हूँ इसे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारे डेट्स निकाल दिए हैं, अब मैं वॉश करके आती हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं मैं वॉश करके आ चुकी हूँ, जो कि मेरा बहुत स्मूथ लग रहा है। स्मूथ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला था। कोकोनट ऑयल डालने से क्या होता है, थोड़ा स्मूथनेस आ जाती है, रफ रफ नहीं लगेगी। वैसे कॉफी से रफ रफ थोड़ी लगती है। ठीक है, तो मैंने सारा देखिए इस तरीके से स्क्रब कर लिया और फिर मैं इसे धो दी। तो देख पा रहे हैं कितनी अच्छी ग्लो आ रही है। देन इसके बाद और कुछ करनी है, बेसन लेनी है, बेसन से भी एक इंग्रेडिएंट बना के फिर अप्लाई कर लेनी है, तो और ज्यादा ग्लो आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बेसन, जो कि हम एक चम्मच बेसन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक चम्मच मैंने ले लिया बेसन, और इसमें थोड़ा सा लेती हूँ मैं हल्दी, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी हल्दी। ज्यादा हल्दी लेने से क्या हो जाता है कि आपका येलो येलो दिखने लगेगा स्किन। ठीक है, तो एक चुटकी हल्दी ले लिए। एंड जो कॉफी बचा है वो थोड़ा सा आप कॉफी ले सकते हो, तो थोड़ा सा जो कॉफी बचा था बस इतना ही, एक चुटकी बच कॉफी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा वाटर मिला के फिर इसको पेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने इतना ही वाटर मिलाया है, एंड इसको पेस्ट बनाते ही थोड़ा थिक पेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पेस्ट बन रहा है। थोड़ा और वाटर चाहिए इसमें, देन अब ये हो जाएगा पेस्ट। देख पा रहे हैं इस तरीके से पेस्ट बन जाएगी। इस तरीके से पेस्ट बना लेनी है, उसके बाद देखिए ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद फिर हाथों में अप्लाई कर देनी है। आप फेस में लगा रहे हैं तो फेस में भी अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, और कभी भी पैरों में भी लगा सकते हैं, बोलते हैं कि कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। देखिए अब लगाने के लिए ये रेडी है, हम लगाएंगे। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कहाँ करनी है, हाथों में अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से अप्लाई होगा हमारे हाथों में, देख पा रहे हैं, अप्लाई कर लेनी है पूरे हाथों में। ठीक है, तो देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया अपने हाथों पे। तो थोड़ा देर तक सूखने देते हैं, ठीक है, 5 to 10 मिनट या 15 मिनट तक सूखने देते हैं। जब सूख जाएगा फिर राउंड राउंड रब करके इसे हम धो देंगे। ठीक है, राउंड राउंड ऐसे रब करेंगे फिर धुल जाएगा। उसके बाद देखिए इसका ग्लो कितनी प्रीटी आएगी। 15 मिनट हो चुके हैं और ये सूख चुका है। चलिए हम इसको वॉश करके आते हैं, फिर देखते हैं इसकी ग्लो क्या होगी। ये हैक रियल में बहुत अच्छे से काम किया, आप लोगों के सामने ही रिजल्ट है, देख सकते हैं बहुत चमक रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अगर कहीं शादी में पार्टी में कहीं भी जाना हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे, फेस पे या फिर पैर में भी कहीं भी अप्लाई कीजिए, और बहुत सुंदर रिजल्ट दिया है। अगर पार्लर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ये कर सकते हैं, देख पा रहे हैं कितनी सुंदर रिजल्ट दिए है। तो एक बात मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप ये अगर हैक यूज कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर।